तो हेलो दोस्तों, ये है हमारी मशीन जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, कम नेबुलाइजर है। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन भी जनरेट करता है और ये नेबुलाइज भी करता है। तो आओ हम आपको दिखाते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम इसको लगवाएंगे, 15-16 एम्पियर के स्विच में इसको लगाएंगे, इसे ऑन करेंगे। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से नीचे ऑन हो जाएगी ये मशीन। 2 सेकंड के बाद इसमें लाइट आ रही है। ठीक है जी, ये हमारी मशीन हो गई स्टार्ट। अब मशीन स्टार्ट होने पर आप देख सकते हो डिस्प्ले में ये दिखा रहा है टोटल टाइम, फ्लो रेट, एल पर मिनट इज लीटर पर मिनट, और टाइमर है, और है हमारा मिनट और सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा बटन देख सकते हो ऑक्सीजन एक्सचेंज और टाइमर। यहाँ पर हमारे ये दो बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये कप होल्डर्स आप इन्हें कह लो, ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिफायर, सॉरी इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। और इसका ये पीछे आप देख सकते हो ये पॉइंट इसमें जाएगा ऐसे, और इसमें ये फिट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही ये दूसरा भी ऐसे लगेगा। साथ में आप देख सकते हो ये है हमारे कंट्रोलर ऑक्सीजन के, जिससे हमारी ऑक्सीजन के लेवल कंट्रोल होंगे। ये आप देख सकते हो 0, 2, 4, 6, 8 और 10 लिखे हुए हैं, और इधर है 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा लीटर पर मिनट है, और ये भी लीटर पर मिनट ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो अब हम इसको आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये स्टार्ट करने के लिए हमें बटन दबाना है यहाँ पे ऑक्सीजन। अच्छा, उससे पहले एक ज़रूरी बात ये कि ये स्टार्ट कैसे होगी। इस ह्यूमिडिफायर में हमारे को भरना है पानी। ये ह्यूमिडिफायर खुलेगा ऐसे, जैसे एक नॉर्मल कैप वाला बॉक्स खोला जाता है, इसमें चूड़ी बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हो हमारे दो ये बने हुए मेजरमेंट्स, जिस पे लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम। ये आप देख सकते हो MIN लिखा है और MAX, मैक्सिमम ये लिखा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें पानी भरना है। पानी हम भरेंगे इसमें RO वाटर, सिर्फ RO वाटर, या फिर जो बिस्लेरी का पानी होता है जो हम बाहर से कहीं ट्रैवल करते हुए पीते हैं, बिस्लेरी का पानी, तो हमें वो भरना है। हमें इसमें नॉर्मल टैप वाटर नहीं भरना है, उससे भरने से इसमें प्रॉब्लम होगी और ऑक्सीजन जनरेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप इसे मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे तक भर सकते हैं, और चलिए इसको लगाते हैं वापस। ये चूड़ी आप देख लीजिए, ऐसे इसको फिट करके ठीक से ये बंद होएगा प्रॉपरली। और जो पीछे वाली तरफ है ये, यहाँ से आप ये वाली साइड से आप इसको अंदर मशीन में फिट कर दो। ये मशीन में फिट हो गई है। अब इसमें पानी जब भर जाएगा तो ये अब हमें इसमें दबाना है ऑक्सीजन का बटन। ऑक्सीजन का जब हम बटन दबाएंगे तो इसमें हमारी ये स्टार्ट होएगी 5 लीटर पर मिनट से ऑक्सीजन जनरेट करेगा। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसको देखिए, मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ से मेरे को फील हो रहा है कि यहाँ से जो है आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये आ रही है आवाज़, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है इसमें से। ठीक है जी, और इसको भी इसमें नहीं होगा, अच्छा, तो ये हमारा ऑक्सीजन लेवल है 2, 4, 6, 8। जितनी रिक्वायरमेंट है पेशेंट को उस हिसाब से आप इसमें ऑक्सीजन का लेवल सेट करेंगे। पानी इसमें डल जाएगा तो आपने देखा होगा पानी, वो जब जैसे बॉयल होता है उस तरीके से होगा। और ऑक्सीजन लेवल आप इसमें सेट करो 2, 4, 6, 8, जो भी रिकमेंडेड है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है जी, सेकेंड अब इसमें हमारा ऑप्शन है कि इसको हम अगर एक्सचेंज करते हैं तो ये हमारा 10 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन जनरेट करेगा। 10 लीटर में हमारा जो सेकेंड ह्यूमिडिफायर है ये भी हमारा ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद इसमें क्या होना आगे? जितनी रिक्वायर्ड है तो मोस्टली डॉक्टर जो बोलते हैं, जो पेशेंट घर पर है उनको 2 से 3 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हमें ये अधिकतर उन पेशेंट के लिए होती है, अगर एक साथ दो पेशेंट हैं तो, अगर किसी हॉस्पिटल में दो पेशेंट हैं, दोनों को एक ही मशीन है, तो एक नोजल इससे निकल जाती है और एक इससे निकल जाती है। तो मोस्टली जो घर में है उनको 5 लीटर की जरूरत पड़ेगी। इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, 5 पर ही रखेंगे, तो जो ये जो लेफ्ट साइड वाला है यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो हम इसी को यूज करेंगे पहले। जब ऑक्सीजन आ रही है तो इसके आगे एक पाइप होता है, ऑक्सीजन सेट बोलते हैं उसको, उस पाइप को हम आपको दिखाते हैं। ये पाइप है, ये नेजल ऑक्सीजन कैनुला है। इसका एक सिरा जो है वो मशीन में लग जाएगा,
इसमें पानी जरूर डालना है क्योंकि जो ऑक्सीजन ये बना रहा है ऑक्सीजन बनती रहेगी, लेकिन जो अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो ड्राई ऑक्सीजन आएगी, तो पेशेंट का गला थोड़ा वो शिकायत कर सकते हैं कि ड्राई हो रहा है। अगर आप इसमें ह्यूमिडिफायर पूरा भर देंगे पानी से तो ये शिकायत नहीं करेंगे पेशेंट। और इसको ले जाने के बाद ये पेशेंट को पीछे गले से ला के ये दोनों नोजल नाक में लग जाएंगे, यहाँ फील कर सकते हो ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पर, देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये दोनों नोजल दोनों नाक में लग जाएंगी जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन जा रही होगी। अब ये इसका टाइमर है, अगर आपको ये फिक्स है कि हमने कितने मिनट देनी है पेशेंट को, ये टाइमर है 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जहाँ भी आप छोड़ेंगे ये उतने देर बाद मशीन बंद हो जाएगी, 50 मिनट 60 मिनट ऐसे करके ये 300 मिनट यानी कि 5 घंटे तक का टाइमर आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन लेवल आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, अगर आपको 2 लीटर देनी है तो ये जो ब्लैक इसका स्पॉट है ये 2 लीटर पे आपने ये छोड़ देना है, तो पेशेंट को कंटिन्यू 2 लीटर पर मिनट मिलती रहेगी ऑक्सीजन। अगर आपको टाइमर नहीं सेट करना है तो आप टाइमर को 0 पे ही रख देंगे, ये इसको को टाइमिंग नहीं करेंगे तो ये अपने आप जब आप बंद करेंगे तब हो जाएगी। मशीन का ऑन ऑफ का बटन ये है, यहाँ से डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं, ये भी ऑन है मशीन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा। अच्छा, दूसरा इसमें ऑप्शन है हमारा नेबुलाइजिंग का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए ये जो बीच का बटन है इसको आप खोलेंगे, आप सुन सकते हैं इसमें नेबुलाइजर का पाइप लगाकर जो चैम्बर है उसमें मेडिसिन डाल के नेबुलाइज भी कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे बंद ही रखेंगे बिल्कुल। और ये लॉक को नहीं तोड़ना है, ये लॉक को नहीं काटना है, क्योंकि इससे ही ये जो ऊपर का नोजल है वो इस मशीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इस वाइट कलर के प्लास्टिक लॉक को काट देते हैं तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है जी, तो इस मशीन को अभी हमने बंद कर दिया है। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं आगे इस मशीन को मेंटेन करने के लिए क्या करना है। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि मशीन को एटलीस्ट 5 घंटे के लिए जब आप चलाएंगे इसको, तो आप मैक्सिमम 5 घंटे के लिए चलाना है, 5 से 6 घंटे के लिए मैक्सिमम चलाएंगे। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो मशीन का जो रिज़ल्ट है, जो ये आपको अच्छे से देती है ऑक्सीजन बना के, वो थोड़ा सा घट जाएगा, कमी कोई नहीं आएगी बस वो घट जाएगा। तो मशीन को 5-6 घंटे यूज़ करने के बाद एटलीस्ट आप 2 घंटे का रेस्ट दो, क्योंकि मशीन है तो मशीन को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। तो चलो आगे इसमें अब आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस मशीन का पीछे का पार्ट। ये हैं इसके लॉक्स, और ये लॉक्स लॉक को आप उंगली से ऊपर उठाएंगे ऐसे, ये खुल जाएगा। यहाँ पर ये इसका फिल्टर है, एयर फिल्टर। इस एयर फिल्टर को जब आपको लगे कि हमारी 20-30 घंटे चल गई है मशीन, इसको खोल के आपने बाहर ले जाके अच्छी तरह से झाड़ देना है जिससे कि इसकी डस्ट निकल जाए। इसको धोना नहीं है बिल्कुल, वरना डस्ट इसमें जम जाएगी। वो इसको साफ करते रहना है हमेशा, और इसको फिर वापस ऐसे ही लगा देना है। फिल्टर को आप पीछे कवर में लगा के फिर आप मशीन में फिट करेंगे, ऐसा नहीं करना कि आप फिल्टर को मशीन में सेट कर रहे हैं उसके बाद आप कवर लगा रहे हैं। ये सब मशीन बंद करके ही करने काम, मशीन ऑन होते होते नहीं करने ही काम। ये लॉक हो गया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर से लेती है वायु जिससे ऑक्सीजन बनाएगी। हमारी वायु में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन। तो इस वायु को लेके ये जो नाइट्रोजन है उसको सोख लेती है और ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस करती है। तो इसका अच्छा रिजल्ट के लिए कम से कम 1-2 फिट का गैप देना है, दीवार से सटा के नहीं रखना है। जितना अच्छा गैप दोगे, जितना हवादार कमरा होगा, उतनी ये मशीन अच्छा रिजल्ट देगी। तो आपने सुना दोस्तों कि मशीन को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको चारों तरफ से एटलीस्ट 2-2 फुट का गैप देना है, दीवार के साथ हमें इस मशीन को नहीं लगाना है। दूसरा, ये मशीन 5 लीटर और 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करती है। तीसरा, आपको बता दिया कि ये रोटेटर है, इससे आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है जो भी डॉक्टर ने रेकमेंड करा पेशेंट के लिए उसमें आप इसको सेट करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें आप पानी डालेंगे RO का या फिर बिस्लेरी का पानी जो बाहर मिलता है, नॉर्मल टैप वाटर इसमें नहीं डलेगा, क्योंकि अगर वो डालेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि पानी के लिए हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप इसे ड्राई भी चलाते हैं जैसे हमने चलाया था, तो पेशेंट को ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन वो उसका गला सूख जाएगा। पानी मिलने से गला नहीं सूखेगा पेशेंट का, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ, जो आप RO वाटर यूज़ करेंगे या बिस्लेरी,
उसके बाद भी यहाँ पर कुछ कार्बन आपको वाइट जमा हुआ दिखाई देगा कुछ टाइम बाद, उसको बार बार आपने साफ करते रहना है। और ये जो इसकी कैप है यहाँ पर भी कुछ कार्बन जमेगा, तो वो साफ करते रहना, बस इसको साफ रखेंगे तो उतना जितनी स्मूथ होगी ये उतनी अच्छी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। देखिए मशीन है, मशीन को जितना हम क्लीन करके रखेंगे उतनी ये मशीन पूरी अच्छी चोटी चलती ढंग है। से बंद हो, ये आप ध्यान रखें, बस पूरा कंप्लीट बंद हो जाए फिर इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कम नेबुलाइजर, इसके बारे में हमने आपको बता दिया और यही है इसका अच्छा सा यूज़। थैंक यू।